कैसे हो आप सब? आई हो आप सब अच्छी हो। भोलेनाथ जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग मौसा जी के यहाँ गए हुए थे तो उधर से आए तो थोड़ा मतलब अगर आओ ना चल के वो गाड़ी में क्या होता कि मेरी हालत तो पता नहीं मुझे कैसा लगने लगता है, जीप सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस थोड़ा आराम किया और घर की हालत ऐसी लगी हुई है, सब जगह धूल की हुई, 2-3 दिन हो गए बस इसने आराम नहीं किया, सबने आराम कर लिया। मेरी हालत खराब हो गई। आपकी हालत कुछ नहीं हुआ जो बोलते रहने दो, ट्यूशन पढ़ाना अभी आपको। आएंगी तो पढ़ लूंगी, नहीं आएंगी तो नहीं, चली जाऊंगी बस। ठीक है, तो बस अभी झाड़ू नहीं लगी, 2-3 दिन से ऐसे ही फैला हुआ था आज बैठते अपने घर पर, तो बस झाड़ू वगैरह लगानी, सब जगह धूल ही धूल हो गई। 2-3 दिन हो गए तो सब जगह झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाना पहुँचा, तो बस अभी सफाई करूँगी। अभी कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं हुए, बस थोड़ा ऐसे ही लेट गए, सब लोग लेट गए थे बस इसको छोड़ के, और हस्बैंड तो ऑफिस गए थे तो बस अभी काम करेंगे। रिंग लेके आई, देखिए तो बस सफाई झाड़ू पोछा लगानी क्योंकि बहुत गंदी हालत हो गई। और गांव से थोड़ा सामान लेके आए, दूध वगैरह, तो बस बिश्री को बॉयल कर रही देखिए। हाँ तो बस देख सकते हैं आप सब जगह कैसा फैला हुआ है बर्तन। अगर घर में ना वाइफ ना हो ना तो घर की हालत क्या हो जाती बता नहीं सकते, अगर कोई ना हो ले तो मैं सफाई वगैरह करूंगी। घर की ना ऐसी हालत हो जाती अगर कोई ना हो घर में पता नहीं सकते सच में। 2-3 दिन से ना झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगा था तो धूल इतनी ज़्यादा हो गई थी सब जगह, और मेरे घर में ना पता नहीं कितनी मकड़ी जाले लगे हो जाते, 1-2 दिन में इतनी मकड़ी है कि इतनी जाले लगा लेती तो 1-2 दिन में साफ करना ही नहीं करना होता है, वरना हर तरफ जाले ही जाले दिखते हैं। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक पूरा हाउस पूरा घर क्लीन करना, झाड़ू लगानी, पोछा लगाऊंगी, और पौधों पे पानी भी नहीं डाला तो पानी भी डालूंगी। सच में ऐसी बुरी हालत हो गई थी कि बता नहीं सकते, तो बस मैं जल्दी से अपना काम फिनिश करूं। बस थोड़ा आराम करके, और क्योंकि गाड़ी में आती है ना तो मेरा तो सिर चकराने लगता है, तो बस कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सा रेस्ट किया 10-15 मिनट। उसके बाद फिर काम इतना डला हुआ था, मतलब घर की हालत देख के ना नींद किसको आएगी। तो बस यहाँ पे मैंने फिर कपड़े चेंज भी नहीं किए, मैंने सोचा चलो ठीक है अब कपड़े पहने हूँ तो कौन चेंज करे, तो बस मैं काम में लग गई। मुझे बस काम दिखाई दे रहा था कि जल्दी से झाड़ू पोछा लगाऊँगी, इतनी धूल फैली हुई थी सब तरफ, और हर रूम को साफ़ करना था, ऐसा नहीं कि आंगन या ऊपर की पोर्शन में ही, हर रूम को सफाई करनी थी क्योंकि सोचो आप अगर 2-3 दिन से झाड़ू ना लगाए तो कितनी बुरी हालत हो जाती। तो बस मैं जल्दी से अपना काम फिनिश कर लूँ क्योंकि खाना भी बनाना था। तो वैसे हम लोग वहाँ से खा के आए हुए थे लेकिन बनाना था ही, तो मैं जल्दी से बस अपना काम फिनिश कर लूँगी। देख सकते आप कितना कचरा निकला, तो बस मैं जल्दी से फिनिश कर लूँ अपना काम। और
और यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप पानी और पोछा लिया हुआ है, और इसमें मैं निरमा पाउडर डाल दूँगी, और जो पोछा लगाने के लिए जो केमिकल क्या होता है उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो उसको मिला लूँगी। इससे क्या होता है जो भी हमारे फर्श पर कीटाणु वगैरह होते हैं और निरमा से जो फर्श है ना वो क्लीन हो जाता है, पोछा अच्छे से लगाते हैं तो इस, तो बस मैं यहाँ पे देख सकते पोछा लगा लूँगी अभी, और आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी धूल दिखाई दे रही है। झाड़ू भी लगा दी फिर भी जब तक अगर हम लोग पोछा नहीं लगाए ना तो क्लीन नहीं होता, तो मैंने इसलिए निरमा डाला कि अच्छे से क्लीन हो जाए, और मैं सारे आंगन में सारे कमरों में पोछा लगा लूँगी। और फिर अभी तो बस झाड़ू पोछा ऐसे लगा लिया फ्री होकर, अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी ऐसी थी तो फ्री होकर मैं फिर पूरे कमरे की अच्छे से सफाई करूँगी, अलमारी वगैरह में धूल वगैरह हो जाती तो सफाई तो करनी होती है, तो बस मैं अभी पोछा लगा लूँगी। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, सारी बोतल जितनी मैं भर के गई थी फ्रिज में और बाहर भी एक्स्ट्रा भी भर के रख गई थी जो भरती नहीं थी, तो बस सारी बोतल खाली पड़ी हुई थी, पानी नहीं था किसी भी बोतल में, तो यहाँ पे देख सकते मैं साफ़ करके अच्छे से और पानी भर दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, अगर कोई आए कि हमें कोई ठंडा पानी दे दो तो उस दिन ठंडा पानी भी नहीं था क्योंकि खाली बोतल पड़ी हुई थी, तो बस मैं साफ़ करके और बोतल भर दूँगी और फ्रिज में भी रख दूँगी क्योंकि गर्मी इतनी पड़ने लगी ना तो ठंडा पानी पीते। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर रूम ऊपर वाले पोर्शन में, झाड़ू लगानी थी क्योंकि हवा इतनी चलती है ना तो हर जगह धूल देख सकते हैं आप, इतनी धूल वगैरह हो जाती तो बस सब जगह, और अब सोचो दो तीन दिन से झाड़ू नहीं लगी तो क्या हाल होगा, तो मैं झाड़ू लगा लूँगी। और नीचे के मेरे रूम वगैरह सारे साफ़ हो गए थे, ऊपर अब मैं ऊपर का साफ़ कर लूँगी पोर्शन पूरा, और रूम वगैरह भी साफ़ कर लूँगी। ऊपर का पोर्शन भी साफ कर लूँगी, ऊपर जाल है ना तो जाल से पत्ते वगैरह, बाहर एक पेड़ लगा हुआ है तो उसी से पत्ते जो भी झड़ता फूलता रहता है तो आते रहता है, और धूल तो फिर कहीं से भी आ जाती, तो बस देख सकते हैं अब मैं इधर भी झाड़ू लगा लूँगी, और इसके बाद मुझे अपना रूम भी क्लीन करना क्योंकि रूम में भी बहुत कचरा फैल गया था, तो बस मैं आज ना बस इस वीडियो में पूरा क्लीन ही क्लीन वीडियो का डालूँगी क्योंकि वहाँ से आके ना इसके बाद मैं बस क्लीन करने पे शुरू हो गई क्योंकि हर जगह ऐसा फैला हुआ था कि मैं बता नहीं सकती, और पीछे देख सकते आप बाल्टी थी तो बस मैं सफाई कर लूँगी। और आप लोग कमरे की हालत देख ही सकते हैं कैसा फैला डला हुआ है, कंबल फिलो सब ऐसी फैले डली हुई हैं, तो इनको सबको फोल्ड करके और बेडशीट को अच्छे से लगा दूंगी तो ताकि निकले नहीं, क्योंकि दो दिन से कुछ भी नहीं किया था तो बस उनका क्या था कि लेट लिया सुबह उठ के चले गए, तो बस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छे से बेडशीट को भी लगा दिया और रूम को भी अब मैं झाड़ू लगा लूँगी, पोछा भी लगाना मुझे। और अब नवरात्रि आ गई है तो नवरात्रि में भी यहाँ पे मेला लगता है, फचकुइयाँ का मेला है, बहुत पुराना मंदिर है, 9 दिन तक मेला लगता है, वो बहुत अच्छा मेला लगता है, पूरी झांसी में एक ही जगह लगता है, और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, तो मेला देखने जाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी बस क्या है अभी तो मुझे काम दिखाई दे रहा है
और मेरे कमरे के बाहर बालकनी है ना, तो बाहर प्लांट रखे हुए हैं, तो वो भी मुरझा गए थे। ये सोचो कि इंडोर प्लांट है कुछ, जो कि एक दो दिन पानी नहीं डालो तो कोई नहीं, और छाया भी रहती है, खुली धूप में नहीं है, छत है तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, बट जो छत पे लगी हुई है ना उनकी हालत तो ऐसी हो गई, बता नहीं सकती। और यहाँ पर देख सकती बालकनी में भी सब जगह धूल आ गई थी, क्योंकि बाहर खुला हुआ है तो धूल तो आएगी, और अगर रास्ता चलता है, रोड चलता हुआ है, तो सोच दिन भर इतनी धूल मिट्टी आती है। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो पौधों को भी नहला दे रही, क्योंकि उन पर भी बहुत मिट्टी चढ़ जाती पौधों पर, तो पौधों को भी मैंने साफ़ कर दिया। और जब हम साफ़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि खिल गए, मुस्कराने लगे पौधे, क्योंकि धूल हो जाती है ना उन पर, तो गंदे गंदे दिखते हैं। और जब मैंने वॉश कर दिया तो ऐसा लग रहा था कि आर्टिफिशियल रखी हुई है फ्लावर, जो भी बोलो प्लांट, क्योंकि इंडोर प्लांट है ना तो हरे भरे रहते हैं, और इधर धूप भी नहीं रहती ज़्यादा, छाया रहती है, तो एकदम ग्रीन ग्रीन है पौधे। और तो बस यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतना गंदा हो गया था, मतलब अभी नहीं, हर एक दिन में साफ़ करना ही होता, क्योंकि बाहर से बहुत धूल आती इधर, तो मैं साफ़ कर दूँगी। और यहीं से नीचे की साइड सीढ़ियाँ दी हुई हैं, तो मैं वहीं पानी से उधर भी साफ़ कर दूँगी। और आप देख सकते कितना सुंदर लग रहे हैं ना प्लांट, सच में अगर प्लांट होना घर में तो कितना, मुझे तो बहुत पसंद है। और ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल प्लांट रखे हुए हैं, क्योंकि इसी टाइप के आर्टिफिशियल भी प्लांट आते हैं, बट ये ओरिजिनल है, तो मुझे तो बहुत पसंद है प्लांट। और अभी ना ऊपर का मेरा पूरा कम फिनिश हो गया, पौधों में पानी भी डालना था बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि सूख गए, तो बहुत बुरा लगता, क्योंकि इतने अच्छे से उनकी केयर करते हो, कहीं चले जाओ ना तो पौधे ऐसे हो जाते कि उनमें जान ही नहीं बचती, और हर जगह धूल मिट्टी, बता नहीं सकती। तब से आई थोड़ा, हाँ आराम किया, तभी से लगी हुई हूँ। तो बस ऊपर का काम तो मेरा हो गया, और बस अब नीचे पोंछा रह गया, झाड़ू तो मेरी सारी लग गई, पौधों पर भी यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया, और बस छत पर अब शाम को जाऊँगी, तो तभी मैं पौधों में पानी झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। तो चलते हैं, अभी बज गए हैं शाम के 6, काम करते करते पता भी नहीं चला 6 बज गए, शाम के 6 बज चुके हैं काम में, क्योंकि जब से आए हुए हैं थोड़ा आराम किया, उसके बाद काम इतना कचरा फैल गया था, क्योंकि इतनी हवा वगैरह चलती है तो कचरा तो फैलेगा ही, इन्होंने झाड़ू भी नहीं लगाई थी कुछ, तो बस पानी वगैरह बोतल खाली पड़ी हुई थी, सब पूरा काम डला हुआ था, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा काम किया। तो शाम हो गई और पौधों पर पानी वगैरह भी डाला, और अभी ना ऊपर पानी डालने जाना पौधों पर, सबसे ऊपर छत पर भी नहीं डाला, क्योंकि 2 दिन से तो डला ही नहीं है। तो चलते हैं ऊपर पानी डालना, वरना क्या होगा, पौधे का हाल तो बुरा हो ही गया, क्योंकि अगर एक दिन भी ना डालो ना, इतनी धूप रहती, इतनी धूप, अगर एक दिन भी पानी नहीं डालो ना तो पौधों की क्या हालत हो जाती, समझ ही सकते हैं। चलते हैं ऊपर, मुरझा गए पौधे, पौधों की क्या हालत हो गई। अभी पानी डालना पड़ेगा, देखो तो पौधे कल रात, बस थोड़ा रह गया, हमने कल भी लगाया, अभी ने तो बोला कि मम्मा हमें डालना पानी। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।